नमः शिवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि मंगलवार श्रवण नक्षत्र आज दिन भर चलता रहेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, दानी, सर्वगुण संपन्न, धनवान और प्रसिद्धि पाने वाले होते हैं। ये हंसमुख, विनोद प्रिय, सहनशील और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जातक मितव्ययी, फूंक फूंक कर कदम रखने वाले, अधिकतर मामलों में सशंकित रहने वाले और भूमि संबंधी कामों में निपुण भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शनि और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी मकर राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शनि देव हैं। मेष राशि के जातकों के लिए विशेष उपाय आज के दैनिक राशिफल के अंत में बताएंगे, मगर अभी मेष राशि के जातकों के लिए राशिफल बताते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज भी केतु के साथ दसवें घर में बने रहेंगे, मगर आज चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं। आज की सक्रियता और परिश्रम का केंद्र बिंदु अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना और आगे बढ़ाना, साझेदारी की लाभदायक प्रेरणा और आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आपको अपने खर्चे को नियंत्रित करना चाहिए। उत्तेजनात्मक माहौल में या वाद विवाद में सावधानी रखनी होगी। मन किसी अनजाने भय से ग्रसित रहेगा। अध्ययन अध्यापन में अनुकूलता बनी रहेगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए प्रयासों का दौर जारी रहेगा और कार्य क्षेत्र की अधिकतम योजनाओं को संपन्न करने की कोशिश लगी रहेगी। अनावश्यक भाग दौड़ और यात्रा को कम करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए वही काम करें जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। संबंधित मामलों में खर्च की स्थिति संभावित है, मगर आप बुद्धि कौशल से उसे नियंत्रित करने में समर्थ रहेंगे। परिवार में भी विवाद या तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। माहौल को अनुकूल और शांति बनाए रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों का झुकाव कार्य क्षेत्र और व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति और आर्थिक लाभ के प्रति केंद्रित रहेगा। साथ ही संभावित यात्राएं भी हो सकती हैं, मगर अनावश्यक चिंता और मानसिक दबाव अधिक महसूस होगा। हालांकि सकारात्मक ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास भी बना रहेगा, जो कि आपकी व्यावसायिक अनुकूलता और आर्थिक लाभ के लिए सहायक रहेगा। विभागीय सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल रहेगा और साझेदारी के कामों में थोड़ा समय लग सकता है। कर्क राशि के जातकों को साझेदारी और कार्य क्षेत्र के विस्तार और साथ ही साथ मातृपक्ष से सहयोग और उचित दिशा निर्देश की संभावना बनती है। अपनी योजनाओं को कार्य रूप में रूपांतरित करने के लिए समय अनुकूल है। विरोधियों की साजिश को निष्फल करने के लिए आपको संयम और सूझबूझ से काम लेना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग आपके लिए बना रहेगा, मगर जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना होगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य पर सावधानी रखनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के सोचे समझे कामों में बाधा और पूर्व नियोजित योजनाओं के संपन्न होने में रुकावट की संभावना बनती है। साथ ही अनावश्यक भयग्रस्तता और मानसिक चिंता का दौर संभावित है। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नई कार्य योजनाओं को विकसित करने में लगाएं और रुके हुए कामों को संपन्न करने की कोशिश करें। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। विभागीय और अधीनस्थ कर्मचारियों से प्रेरणा मिलेगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। संतान संबंधी चिंता आज बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। कन्या राशि के जातकों का मूल उद्देश्य कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में सार्थक पहल, आर्थिक लाभ के अवसर और पारिवारिक सुख चैन की कमी को पूरा करने के प्रति केंद्रित रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए।
शनि मंगल आपके चौथे घर में और केतु और चंद्रमा आज आपके पांचवें घर में चल रहे हैं। अनावश्यक मानसिक तनाव और नींद में कमी संभावित है, फिर भी अधिकतर कार्य पूरे होंगे और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। अध्ययन अध्यापन में उतार चढ़ाव बना रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए अनावश्यक घबराहट, बेचैनी, निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव, मगर कार्य क्षेत्र के उद्देश्यों के प्रति सकारात्मक पहल और व्यावसायिक उत्थान के प्रति आज का समय केंद्रित रहेगा। आज का दिन मिला जुला फल देने वाला व्यतीत होगा। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां लंबे समय तक रखनी होंगी। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक वाद विवाद की संभावना या रुकावट का अंदेशा बनता है, धैर्य और सावधानी रखनी होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। गुरुजनों का आशीर्वाद और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र के लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ पराक्रम दिखाना, धन संबंधी मामलों में मितव्ययी बनना और अपने उद्देश्यों में होने वाली रुकावटों का विश्लेषण करने के प्रति आज की मानसिकता बनी रहेगी। हालांकि शंकालु प्रवृत्ति आज पीछा नहीं छोड़ेगी और उत्साह में उतार चढ़ाव संभावित रहेगा। साथ ही पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी, हालांकि आपके उद्देश्यों की पूर्ति होती रहेगी। धैर्य और सक्रियता बरकरार रखें। आपके काम होने में थोड़ा समय लग सकता है। खर्च की स्थिति को नियंत्रित रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। धनु राशि वाले जातकों को धन संबंधी मामलों और आर्थिक लाभ के प्रति साथ ही साथ व्यावसायिक उद्देश्यों को सुदृढ़ करने और हर तरीके के परिश्रम करने के प्रति मानसिक रूप से तैयार रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल और जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। रचनात्मक प्रयासों में मन लगेगा और नए प्रस्ताव की संभावना बनती है जो लाभदायक रहेगी। धन संबंधी मामलों में अचानक लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। परिवारजनों का सहयोग और उनकी प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए स्वयं के उद्देश्यों के प्रति, अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति, साथ ही साथ अपनी निजी समस्याओं और संबंधित मामलों में उद्देश्यों की पूर्ति के प्रति आज का समय केंद्रित रहेगा। आपकी राशि पर आज भी केतु और चंद्रमा का संयोग बना हुआ है, मगर रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी और अंतर्मन का सहयोग बना रहेगा। खर्च की स्थिति को नियंत्रित करना होगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है और परिवारजनों के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अपनी सुख सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रति, गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश के प्रति, साथ ही साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा में होने वाले खर्च के प्रति आज का दिन केंद्रित रहेगा। लाभदायी योजनाओं को विकसित करने का समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अनावश्यक खर्च और यात्रा की संभावना बनी रहेगी। विरोधियों से सावधान रहें, साजिश के शिकार हो सकते हैं। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है, मगर स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विस्तार, उसे सुदृढ़ करने, आय संबंधी मामलों में नए रास्ते बनाने के साथ ही साथ सामाजिक सहयोग और उससे होने वाले लाभ के प्रति आज का समय केंद्रित रहेगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव भी संभावित है, फिर भी पहले की कार्य योजनाएँ चलती रहेंगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। आइए अब मेष राशि के लिए विशेष उपाय की चर्चा करते हैं। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं तो इनसे बचने के लिए गुड़ लेकर उसे अपने ऊपर से उसार कर मंगलवार के दिन किसी भिखारी को दान स्वरूप दे दें। यदि आपके द्वारा किए गए कामों का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता हो, जीवन में संघर्ष की स्थिति हो,
तो बहते हुए जल में कुछ रेवड़ियाँ प्रवाहित करें। यदि रेवड़ी ना मिल पाए तो उसके जगह गुड़ भी प्रयोग कर सकते हैं। जीवन में यदि आकस्मिक बाधाएं आती हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर तांबे की कीलें रविवार के दिन दोपहर के समय ठोकनी चाहिए। यदि आपका दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा हो तो दो पकी हुई लाल ईंटें सफ़ेद वस्त्र में बांधकर अपनी मनोकामना करते हुए मिट्टी में दबा दें। यह प्रयोग मंगल के नक्षत्र में करना चाहिए और साथ ही अगर मंगलवार भी है तो बहुत उपयुक्त रहेगा। संतान सुख के लिए तांबे की वस्तुएं किसी धार्मिक स्थल में दान स्वरूप भेंट कर दें। दाम्पत्य सुख के लिए दो सूखे हुए नारियल बहते हुए स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दें। यह प्रयोग शुक्रवार के दिन करना चाहिए। अकस्मात सफलता प्राप्ति के लिए मीठी रोटियां कुत्ते को खिलाएं। जहां से भी परेशानी मिल रही होगी, दिक्कतें आ रही होंगी, उस विषय से आपको राहत मिलेगी और सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।